Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So today one more topic in our Polity Byte series. So we are doing our fundamental rights topic. So आज के जो articles होंगे that will be from 25 to 30. ठीक है, जो हैं दो parts का article that is right to freedom of religion plus cultural and educational rights. ठीक है, सो पर्टिकुलरली इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल O2IS Academy आपको डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर ऐप ऑफ O2IS Academy, जिसमें आपको ये पीडीएफ, बाकी लेक्चर्स, पॉलिटी बाइट सीरीज के पीडीएफ्स मिलेंगे, प्लस बाकी और स्टडी मटेरियल जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपके बाकी एग्जाम्स के लिए, वो उसमें सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री. सो डू डाउनलोड आर ऐप. सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज लेक्चर ऑन ऑफ पॉलिटी बाइट्स. जो पहला हम आर्टिकल्स देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 20 तक. व्हेन इट कम्स टू द क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब भी हमने देखा, बाकी हमने आर्टिकल्स देखे, तो कुछ ना कुछ उसका बैकएंड ऐसा था कि उस पर्टिकुलर चीज़ को एज अ फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जिसको इतना जस्टिसेबल है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक को अप्रोच कर सकते हो. ठीक है, तो ये इनकी इम्पोर्टेंस एक अपने आप आपको समझ आती है. सो ऐसा क्या हुआ कि आपको इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी इसमें डालना पड़ा. तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं. ठीक है, कुछ रिलीजन्स के लोग बहुत मेजॉरिटी में है, कुछ बहुत माइनॉरिटीज़ में हैं. ठीक है, अगर हम रिलीजन के लिए हर एक इंसान को हक नहीं देते तो सब जो एक मेजॉरिटी वाला रिलीजन है वो माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करता. सो ये सब चीज़ें देख के, ठीक है, और स्टेट का रिलीजन के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, होना भी चाहिए कि पॉजिटिव में, नेगेटिव में, सेक्युलरिज्म, ये सब चीज़. जब हमने प्रीएम्बल किया था, प्रीएम्बल में मैंने आपको सेक्युलर का कंसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में, दोनों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वेस्टर्न में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इंडियन जो है वो पॉजिटिव फॉलो करते हैं, वेयर एज वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या था, टोटली नेगेटिव मीन्स उसको स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है. ठीक है, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसीलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इसमें डाला था. बट इसके साथ है कि स्टेट, इसमें जो मैंने मेंशन किया वी मीन स्टेट ना तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट करेगा, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगा. ठीक है, कि स्टेट बोलेंगे नहीं आप हिंदू बनिए या मुस्लिम बनिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा. ठीक है, देयरफॉर द स्टेट शुड रिस्ट्रेन इटसेल्फ फ्रॉम अडॉप्टिंग वन पर्टिकुलर रिलीजन. इट मीन्स दैट द स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल टू ऑल द रिलीजन्स. एक स्टेट के लिए सारे रिलीजन्स बिल्कुल सेम होंगे, वो चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, जैन, बुद्धिस्ट, कुछ भी हों, उनके लिए सब सेम ही होंगे. सो अब ये रिलीजन क्या है? बेसिकली रिलीजन है हमारा विश्वास. ठीक है, जिस चीज़ पे हम विश्वास करते हैं. पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल टू हैव फेथ और नॉट फेथ इन एनी पर्टिकुलर. मेरी इच्छा है कि मुझे सिखिज़म को देखना, मुझे सिखिज़म के प्रिंसिपल्स पसंद आते हैं, तो वो मेरी मर्जी है. आई कैन फॉलो सिखिज़म और बुद्धिज़्म, दैट इज़ टोटली विल बी अकॉर्डिंग टू माई विल, माई इंटरेस्ट. स्टेट का इसमें कोई भी हाथ नहीं होगा, स्टेट मुझे नहीं बोल सकता. ठीक है, कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता कि नहीं आपको यही पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है. नो, स्टेट कांट डू दिस. इट विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन आवर विल कि हमें कौन सा रिलीजन फॉलो करना है. बट ऐसा नहीं है, स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा. कब करना पड़ेगा? जब कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो पब्लिक ऑर्डर को खराब करे, जो मोरालिटी को, हेल्थ को, ऑब्जेक्टिव, एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर उनको कोई पर्टिकुलर रिलीजन की प्रैक्टिस खराब कर रही है तो स्टेट को वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा. जैसे कि हमने देखा था ट्रिपल तलाक. मैंने आपको एक और चीज़ बताई, हमने हिंदूज़ का देखा था जो तांडव के रिलेटेड कुछ था, डांस था. ठीक है, सो दीज जो प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं हैं, ठीक है, जो आपके पर्टिकुलर हक अधिकारों को, रिलीजियस की प्रैक्टिस को, जिनकी वजह से एक हरासमेंट हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो स्टेट उसमें इंटरवीन कर सकता है. अदरवाइज स्टेट में जाके ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप सिखिज़म छोड़ दीजिए, आप हिंदुज़म फॉलो कीजिए, यहाँ पे हिंदुज़म छोड़ दीजिए, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो कीजिए. नो, स्टेट डोंट हैव एनी राइट ऑफ दिस टाइप. ठीक है, तो बात है सेक्युलरिज्म का. जब सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आता है तो उसको हम बेसिकली एक ही चीज़ बोलते हैं कि देयर इज़ अ नो स्टेट रिलीजन. ठीक है, कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा, प्लस सभी रिलीजन्स को एक बराबर रिस्पेक्ट दिया जाएगा. कोई चाहे बुद्ध है, चाहे बुद्ध विल इज इक्वल टू क्रिश्चियन स्टेट की नज़रों में. ठीक है, मैं क्या फॉलो करें, अगर मैं बुद्धिज़्म फॉलो करूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिश्चियनिटी को वो करूँ, बट मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट की नज़रों में ये सब बराबर हैं. तो जब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म का, प्रीएम्बल में तो हमने इसको डिटेल में देखा ही था, बट आर्टिकल्स मैंने आपको तब भी कहा था कि ये हम जब सेकुलरिज्म का पूरा कंसेप्ट कब आता है, जब हम प्रियम्बल के साथ पढ़ते हैं आर्टिकल्स ये वाले, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल्स, तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है, आर्टिकल 25 बोलता है इंडिविजुअल रिलीजियस राइट्स को. अब ये हैं क्या, ये हम देखते हैं 2 मिनट में. आर्टिकल 26 है कलेक्टिव रिलीजियस राइट्स, एक पूरे ग्रुप के लिए. एंड 27, 28 बेसिकली स्टेट को फोकस करता है कि स्टेट का कोई वो नहीं है रिलीजन. सो इन डिटेल, आर्टिकल 25 इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. Article 26, freedom to manage religious affairs. 27 is freedom from taxation for promotion of a religion. Article 28 is freedom from attending religious instructions. तो जो ये वाला article है that is for individual. इसको भी characterize किया गया है, ये जब मैं 25 आपको भी कराऊंगी within 1 or 2 slides तो हम देखेंगे, ठीक है. Article 26 is collective, सबके लिए है ये, freedom to manage religious affairs. Article 27 and 28 is for state. फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, प्लस स्टेट को सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा. सो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 की जो स्टेटमेंट थी दैट वाज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. तो आर्टिकल 25 को जब हम पढ़ते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं. 1 इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, एंड सेकेंड इज रिलीजन का प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट, ठीक है. अब इनके मतलब क्या है ये अब हम देखते हैं. व्हेन इट कम्स टू पहला जो कंसाइंस मीन्स हमारी मर्जी, इनर फ्रीडम, मेरी मर्जी, मेरा फेथ, मेरा विश्वास, मेरा बिलीफ, मुझे किस चीज़ पे पसंद है, क्या मुझे प्रिंसिपल्स पसंद है, वो मेरी मर्जी है. जैसे कि अगर हम देखें मीराबाई को, मीराबाई किसको फॉलो करते थे, कृष्णा को, ठीक है, वो कृष्ण जी को फॉलो करते थे. बट व्हेन इट कम्स टू बाकी अगर हम देखेंगे, अगर हम देखें गुरु नानक देव जी, वो किसको फॉलो करते थे, सिखिज्म को, ठीक है. बट वो इनकी मर्जी है, इट विल बी कंप्लीटली देयर विश, देयर फेथ, देयर बिलीव कि उनको क्या फॉलो करें, एंड दैट इज राइट टू कंसाइंस. मतलब हम अपनी मर्जी से, अपनी फ्रीडम, जो हमारा मन है उसके अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. देन इट कम्स टू द राइट टू प्रोफेस, इसका मतलब है कि मेरे जो कुछ विचार है, मान ली मैं कृष्णा की फॉलोअर हूँ, तो मैं कृष्णा के रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उनको लोगों को बता सकती हूँ, उनको डिस्प्ले किया जा सकता है. प्लस अगर मैं सिख हूँ, ठीक है, तो सिख वो कृपाण रखते हैं, तो वो आप उसको पहन सकते हैं क्योंकि वो आपके रिलीजन को दर्शाता है, वो आपके लिए ज़रूरी है. एज अ पार्ट ऑफ आवर सिखिज़म वो उस चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है, ठीक है. तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि नहीं आप ये नहीं पहनेंगे. या जहाँ पर क्रिश्चियनिटी की बात आती है तो वो क्रॉस पहनना आप पहन सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता. सेकेंड इज दिस इज राइट टू प्रोफेस, आप अपने प्रिंसिपल्स को भी लोगों को बता सकते हैं. नेक्स्ट राइट टू प्रैक्टिस, सेम थिंग, जो मेरे पर्टिकुलर रिलीजन में रिचुअल्स है, मान लीजिए अगर मैं कृष्णा को फॉलो, मैं हिंदुज़म को फॉलो करती हूँ तो हवन करना मेरा हक है, तो मैं कर सकती हूँ, उसमें मुझे किसी के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. प्रोपागेट वही सेम चीज़ है कि हम अपने रिलीजन के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों के अंदर प्रचार कर सकते हैं. जैसे हम देखते हैं ISKCON जो संस्था है, वो रास्ते में आपको बहुत बार आप सबको भी मिला होगा कि वो संकीर्तन करते हैं, ठीक है. बट वो उस चीज़ का उनके पास राइट है, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा. दे कैन टेल यू द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर, या उसके फायदे नुकसान सब कुछ बता सकते हैं वो. फिर उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप उससे इन्फ्लुएंस करके आप उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है. सो दीज आर द टर्म्स विद रिलेटेड टू आर्टिकल 25 जो है राइट टू कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपागेट. इसमें जो राइट टू कंसाइंस है वो है एब्सोल्यूट राइट, इसके ऊपर आप को कोई भी एक्सेप्शन, कोई कुछ भी फोर्समेंट नहीं किया जा सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपागेट वाला पार्ट आर्टिकल 25 में ही, तो आपके ऊपर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ हार्म होती है तो स्टेट आपको इसमें रोक सकता है. सी, जब भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अभी तक हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हर एक आर्टिकल के अपने क्लॉजेस हैं, एक ही आर्टिकल को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा रहा है. अगर हम नॉर्मली देखें आर्टिकल 25 को, अगर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हाँ रिलीजन के रिलेटेड, लेकिन कौन सा पार्ट क्या दर्शाता है, ये वाला पार्ट एब्सोल्यूट है कि नहीं है, ये वाला पार्ट जो है ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये आपको बहुत अच्छे डिटेल में क्लियर होना चाहिए. इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस निकालने में, प्लस सबसे बड़ी बात आपके मेन्स में आंसर लिखने के लिए, या कभी कभी कौन सा पार्ट किस आंसर में आपको यूज़ करना है. जैसे कि अगर इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस वाला पार्ट है ये एब्सोल्यूट है, लेकिन जो प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपागेट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगा लेटर आपकी प्रिपरेशन में. सो स्टेट कहाँ कहाँ आपके लिए लॉज बना सकती हैं। देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, मान लीजिए एक मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है, उसके अंदर पूजा पाठ होता है, रोज आरती होती है, ठीक है, सब कुछ होता है, परिक्रमा होती है, सब कुछ, ये सब तो है उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्युलर, कुछ वो सेक्युलर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है जो है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई मंदिर है, अगर हम इस्कॉन की बात अभी हम कर रहे थे, अगर हम इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन के अंदर है कुछ रिलीजियस कि हम मंगल आरती करेंगे, शयन आरती करेंगे, श्रृंगार आरती करेंगे, ये सब उसकी रिलीजियस, उसमें हम स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकते कि जी नहीं आपने मंगल आरती सुबह 4 बजे नहीं करनी, आपने 6 बजे करनी है, नहीं, वो उनका अपना बिलीफ है, उनकी मर्जी, वो करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द उनका मैनेजमेंट, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो स्टेट है वो उसमें अपना लॉ बना सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें है कि स्टेट एक, इसमें वर्ड आप पहले देखिए, हिंदू प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हिंदू के अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं उसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब आते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब इस केस में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात होगी इन दो पर्टिकुलर आर्टिकल्स में, तो हिंदूज के अंडर आपके आएंगे सिख, जैन, बुद्धिस्ट और जो पर्टिकुलरली हिंदूज हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज उनके लिए आप लॉ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ गुरुद्वारा बनाया तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं उसमें हम जैन लोगों को आने नहीं देंगे, नहीं, तो स्टेट उसके अंदर पर्टिकुलरली लॉ बना सकता है। सो नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो हमने 26 में देखा था। तो उससे पहले हम देखेंगे एक टर्म जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन, बिकॉज आर्टिकल 26 बोलता है क्या है कि गारंटीज राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ देयर सेक्शंस। बट व्हाट इज दिस रिलीजियस डिनोमिनेशन? रिलीजियस डिनोमिनेशन है क्या? रिलीजियस डिनोमिनेशन इज बेसिकली, जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इनको ध्यान से देखिए। इट इज व्हेन द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, एक कलेक्शन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बिलीव इन सम डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल, मतलब एक सेम माइंडसेट, ठीक है, फॉर देयर स्पिरिचुअल वेलबींग एंड ऑल दीज इंडिविजुअल शुड बिलोंग टू अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि इसमें इसका अलग है, इसका अलग है, नो, एक ग्रुप जिनका सेम माइंडसेट है, विच ऑल्सो हैव वन डिस्टिंक्टिव नेम, उसका एक पर्टिकुलरली उन्होंने नाम भी रख दिया, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे नहीं समझ तो एक चीज़ देखें, इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक संस्था है। किसने बनाई थी? प्रभुपाद जी ने बनाई थी। लेकिन क्या एक अकेले ने बनाई? नहीं, उन्होंने उसका प्रचार किया था। बट द थिंग इज पर्टिकुलर बहुत बड़ा ग्रुप बना जिन सब ने कृष्णा को ही अपना फॉलोअर माना, ठीक है, जिन्होंने कृष्णा को फॉलो किया, ठीक है। तो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, मीन्स बहुत सारे लोग जो कृष्णा को मानते थे, ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा इस्कॉन। सेम विद रामाकृष्ण मिशन में भी हम ये देखते हैं, ठीक है, कि उन्होंने भी पर्टिकुलरली एक चीज़ को फॉलो किया, लोगों का माइंडसेट मिला, थॉट प्रोसेस, प्रिंसिपल सेम हुई, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को अपना एक डिनोमिनेशन नाम दे के उसका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब देखिए, ये रामकृष्ण मिशन, आनंदा मार्गा, ये सब तो हैं हमारे रिलीजियस उसमें इंस्टीट्यूट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने औरबिंदो सोसाइटी को इस चीज़ से मानने के लिए मना कर दिया था कि औरबिंदो सोसाइटी का जो सेक्शन है उसको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं देंगे, बिकॉज बेसिकली औरबिंदो सोसाइटी क्या थी? औरबिंदो घोष की जो पर्टिकुलर उनकी अपनी फिलॉसफी थी उसके बेसिस पे उन्होंने बनाया था। बट वो कॉमन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का नहीं था, ठीक है ना, उसका कोई फॉलोअर वैसा था। सो एंड इट वॉज रिलेटेड, वो किस पे बेसिक करता था, बेस्ड था, इट वॉज ऑन इनर योगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर को रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर नहीं कवर किया था, ठीक है। सो रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर राइट्स कौन है, उनके पास क्या अधिकार है? अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन किसी को अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर संस्था एक रिलीजियस, तो वो क्या करते? टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। देखिए, जब भी अगर आपको कभी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक पर्टिकुलर संस्था को याद कर लीजिए। हम आज इस्कॉन को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस्कॉन ने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया, वो चैरिटी भी करता है। आपने देखा होगा कि जब वो रोड पे जाते हैं वो कुछ लोगों को गीता, या उन्होंने लेटेस्ट एक कैंपेन चलाया था जिसमें था कि वो तिहाड़ जेल में जाके उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ रिलीजन, वो अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। सेम विद गुरुद्वाराज में हम देखते हैं कि कितने लंगर लगाया जाता है लोगों के लिए, कितनी चैरिटी की जाती है। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो ले सकते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उस पर्टिकुलर संस्था के नाम पर प्रॉपर्टीज़ ली जा सकती हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, Each religious denomination or organization enjoys autonomy in determining what rites and ceremonies are essential. ये वो जो भी संस्था है, वो चाहे सिक्स की है, बुद्धिज्म की है, किसी की भी, ये लोग उसमें बता सकते हैं कि हाँ हमारी संस्था के ये रिलीजन्स है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 27 जो बोलता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन. ठीक है. आप किसी को भी, किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को ज़बरदस्ती आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप, अगर आप हिंदू हैं या किसी आप रिलीजन के बेस पर उससे टैक्स नहीं मांग सकते हैं. ये तो है पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के लिए, बट इसमें एक और क्लॉज है जो है स्टेट के लिए, कि स्टेट टैक्स जो कलेक्ट होते हैं या किसी भी पैसे को स्पेसिफिकली एक रिलीजन के लिए यूज़ नहीं कर सकती है, वो किसी एक रिलीजन के फेवर में काम नहीं कर सकती है. सो दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 27, कहाँ पे टैक्स लगा सकती है, नहीं लगा सकती है. नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मैंने आपको पहले बोला कि कुछ होते हैं सेक्युलर एक्टिविटीज़ एंड कुछ होते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो दिस इज द जस्ट स्लाइड. ठीक है. तो इसमें जो आपको ध्यान रखना दैट इज़ फी, कि जब बात आएगी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की, ठीक है, कि आरती में आने के लिए क्या पैसे ले सकते हैं, दैट इज़ अ रिलीजियस, उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते, बट देयर कैन बी फीस. मान लीजिए दोबारा मैं आपको ISKCON का ही एग्जांपल लूँगी, जैसे ये कुछ बीच बीच में कोर्सेज चलाते हैं. ठीक है. दे हैव द 3-day कोर्स या फिर मंथली कोर्स, बच्चों के लिए अलग कोर्सेस हैं. सो दैट इज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. उसके ऊपर वो कुछ फीस चार्ज करते हैं. सो दैट इज़ ओके बिकॉज दैट इज़ इन अ सेक्युलर एक्टिविटी, वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है. ठीक है. चाहे वो उसमें अपने ही धर्म के बारे में पढ़ाएं या कुछ भी हो, लेकिन उसमें दे कैन चार्ज सम फीस. ठीक है. आप उसके ऊपर नहीं बोल सकते कि नहीं हम फीस नहीं देंगे बिकॉज ये संस्था के अंदर हो रहा है. नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 28 जो है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. अब देखिए जब हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात होगी तो वो कहाँ पे होगी, जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे, ठीक है, वहीं पे आप पढ़ाएंगे. बाकी जो आप रास्ते पे जो हम संकीर्तन कर रहे हैं या जो प्रभात फेरी निकलती है या कुछ भी जो कोई भी रिलीजन अपने उसमें कर रहा है, उसमें तो आपको कोई नहीं रोक रहा, बट स्पेसिफिकली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप कहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पहले तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के टाइप क्या हैं. तो है 4 टाइप के. पहला है कि होली ओन्ड बाय द स्टेट, पूरा का पूरा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट के अंडर है. दूसरा है एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट किसी पर्टिकुलरली ट्रस्ट ने उसको एस्टैब्लिश किया हुआ है. थर्ड इज स्टेट ने रिकॉग्नाइजेशन दिया, जैसे हम पढ़ते हैं कि CBSE से रिकॉग्नाइज्ड है, सो उस टाइप का. रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, चला कोई और है, मैनेजमेंट कोई और, लेकिन उसको एड मिल रही है. सो आपने ये 4 इंस्टीट्यूट देखे. अब इसमें है कि किसमें हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को देकर ले सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू द होली ओन्ड बाय द स्टेट तो इट्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है. एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर द ट्रस्ट, इसमें है परमिट आप कर सकते हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर ट्रस्ट ने उसको बनाया, तो हो सकता है वो रिलीजियस ट्रस्ट हो, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है. बाकी जो ये दोनों हैं तो बाय स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, इसमें सिर्फ वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, इन दोनों के केस में हमारी मर्जी, आप पेरेंट्स का कंसर्न है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में अपने बच्चों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं. ठीक ना. नेक्स्ट इज, ये तो था हमारा रिलीजन के लिए जो आर्टिकल्स है, जो हमने सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट पढ़ा. ठीक है. तो एक बार शॉर्ट नोटिस पे रिवाइज करो. ठीक है. सो हमने पढ़ा था सबसे पहले आर्टिकल नंबर 25 जो था कंसाइंस, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि कंसाइंस हमारी मर्जी है, प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, 3 उसमें देखा कौन सा एब्सोल्यूट है और किसमें हम नॉर्मली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. 27 इज टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, किसी आप इंडिविजुअल से जबरदस्ती रिलीजन के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते हैं, प्लस स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में काम नहीं कर सकती है, प्लस आप सेक्युलर एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हमने फ़र्क देखा कि सेक्युलर एक्टिविटीज़ के ऊपर स्टेट इंटरवीन कर सकती है, फीस भी लगा सकती है स्टेट या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट खुद अपनी सेक्युलर एक्टिविटीज़ पे फीस लगा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस एक्टिविटी ना स्टेट इंटरवीन कर सकती है. ठीक है. देन फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ये हमने देख लिया कि 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में कौन सा क्लास है इंस्टीट्यूट की जिसके अंडर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं. सो दैट इज़ कम्प्लीटली अंडर ये वाला, इसमें मार्क्ड है, आप इसको जब भी पढ़ें आप ध्यान से इसको कि किसके अंडर हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिर्फ एक कल्चर और एजुकेशन, आर्टिकल 29 और 30. सो व्हाट आर दिस, पहले हम नॉर्मल आर्टिकल्स पढ़ते हैं. आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़. राइट ऑफ 38 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अब देखिए टर्म क्या है, माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज क्या है, डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक. लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए अगर हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो हम किस एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ पर्टिकुलरली कल्चर और एजुकेशन के लिए. ठीक है. सो अब जब हम माइनॉरिटीज़ पढ़ेंगे तो माइनॉरिटीज़ हम पढ़ेंगे दो टाइप्स में. एक तो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लेकिन उसके साथ एक और है दैट इज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. ठीक है. सो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो कंसेप्ट है जिसको पहली बार इसमें डाला गया था दैट वाज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में. इसमें जिनको माइनॉरिटीज़ इसमें डाला गया दैट इज़ मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज. 5 ये थे प्लस बाद में एक ऐड हुआ दैट इज़ जैन्स. तो ये 6 जो हैं दे आर टर्म्ड एज माइनॉरिटीज़. ठीक है. और जो माइनॉरिटीज़ हैं ये स्टेट वाइज होता है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए ऑल ओवर. मान लो इसमें डिपेंड, जैसे हम नागालैंड का इसमें एग्जाम्पल डाला है, उसमें हिंदू सिर्फ 8.5% हिंदूज हैं, सो दे आर माइनॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ द नागालैंड. लेकिन जब बात हम पंजाब में करेंगे तो सिक्स को हम इसमें माइनॉरिटीज तो नहीं बोल सकते ना कि ये पंजाब में सिक्स माइनॉरिटी. नो, इट कैन नॉट बी डन. सो माइनॉरिटीज रिलीजियस के बेसिस पे 1992 में पहली बार ये कंसेप्ट आया था. पहले 5 थे, लेटर ऑन जैन्स को भी इसमें ऐड किया गया था. ठीक है. बाकी ये पूरे इंडिया के लिए सेम नहीं है, इट इज़ डन स्टेट वाइज. नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. ये आया था 38th रिपोर्ट में, नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में. इसमें यह कहा गया था ये भी स्टेट वाइज है. ठीक है. जैसे मान लीजिए हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं, महाराष्ट्र में मराठी मेजॉरिटी में बोली जाती है, तो उसमें हम मराठी को नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बाकी टर्म्स हैं, बाकी जो वहाँ पर लैंग्वेजेस हैं वो आ जाएगी लैंग्वेजेस ऑफ किसकी, माइनॉरिटीज़ में. सेम है पंजाब, पंजाबी जो है वो यहाँ पे मेजॉरिटी लोग बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस होंगी वो कौन से स्टेटस मिल जाएगा उनको, माइनॉरिटी. ठीक है. सो ये दोनों जो हमने कंसेप्ट पढ़े, रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये बोथ आर एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेटे, स्टेट वाइज हम इनको देखेंगे. ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 29 तो उसमें एक टर्म यूज होती है दैट इज एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स. तो एनी सेक्शन ऑफ द सी 29 और 30 में फर्क है. 29 इज रिलेटेड टू द एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स. अब एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स में मेजॉरिटी लोग भी आएंगे और माइनॉरिटी भी आएंगे. इसका मतलब मेजॉरिटी का जो रिलीजन है, ठीक है, वो भी कंजर्व कर सकता है, माइनॉरिटी भी अपना रिलीजन कंजर्व कर सकता है. सो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same, so be applicable on both majority and minority. तो आर्टिकल 29 किसको प्रोटेक्शन देता है, दोनों को, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को. ठीक है. तो इसमें यही है कि ये दोनों को, मेजॉरिटी में भी जो रिलीजन होगा, माइनॉरिटीज़ में जो रिलीजन होगा, ये दोनों ही अपने अपने रिलीजन के, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ वाले बोलेंगे नहीं नहीं आप तो मेजॉरिटी में आप ये चीज़ नहीं कर सकते. नो, ऐसा नहीं होगा. आप दोनों के पास अधिकार है कि आप अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करें. नाउ इसका एक और क्लॉज है जिसको हम पढ़ेंगे साथ में, लेकिन उससे पहले आप ध्यान कीजिए, जब हमने आर्टिकल 15 किया था हमने पढ़ा था कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये हमने 5 ग्राउंड्स पढ़े थे. एक बार आप आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 देखिए तो उसमें बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच गेट एड फ्रॉम द स्टेट, यहाँ पे था दैट द स्टेट, मैं अभी आपको डिफरेंस बताती हूँ, और मेंटेन बाय द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज. ये सेम है, ये सेम है. दिस इज द डिफरेंस एंड प्लस दिस इज द डिफरेंस. जब बात हम आर्टिकल 15 की कर रहे थे दैट द स्टेट मीन्स सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे थे, बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 तो उसमें जो 2 मेजर डिफरेंसेस है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी एडेड है, प्लस ये इसमें लैंग्वेज भी एक ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए या बचाने के लिए. ठीक है. सो आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वी गेट कंफ्यूज ऑन दिस ग्राउंड. जब मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी पढ़ाया था, मैंने आपको ये कहा था कि ये ग्राउंड्स आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज आर आर्टिकल नंबर 30. 30 बोलता है कि आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अपने रिलीजन को बचाने के लिए जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं या लिंग्विस्टिक, अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकती हैं. ठीक है. बाकी जो स्टेट है उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकता है कि हाँ ये माइनॉरिटी ने एस्टेब्लिश किया है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। दूसरी बात, इम्पार्ट टू एजुकेशन द चिल्ड्रन एंड इन देयर ओन लैंग्वेज। अगर मान लीजिए उर्दू माइनॉरिटी में है तो वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उर्दू में उन चीज़ों को करवा सकता है, ठीक है। बाकी टर्म माइनॉरिटी वो अभी तक भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैं आपको जब भी बोलती हूँ कि जब भी कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है लेकिन वो यूज़ में है, इसका मतलब उसका जो हम डेफिनेशन निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे, वो है रिस्पेक्टिव जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उसमें जब यह आया तो जब हमने माइनॉरिटीज़ की बात की, सो इट इज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों की हमने बात की। नाउ अब इसके एक्सेप्शंस भी कुछ होंगी। तो जो पहले एक्सेप्शन है, द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है, इट्स कुछ में कुछ एक्सेप्शंस और चीज़ें लगाई गई हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड का मतलब मैंने आपको बार बार समझा, एब्सोल्यूट मतलब उसमें कोई भी एक्सेप्शन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, और आज हमने एक और चीज़ की है दैट इज़ राइट टू कंसाइंस वाला, हम जो लास्ट लेक्चर में रिलीजन को लेके करा था, ठीक है। ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट है, बट जब कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी दैन इट विल नॉट बी एब्सोल्यूट। सो इट डज़ नॉट इंक्लूड द राइट टू माल एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए आपने बना लिया इंस्टीट्यूट और उसमें आप गलत एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो गलत है। स्टेट कैन इम्पोज कंडीशंस टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एड ग्रांटेड टू देम। मान लीजिए स्टेट ने आपको एड दिया है, पैसा दिया है, तो स्टेट उसमें देख सकता है कि आप उस पैसे का यूज़ कर कैसे रहे हैं। स्टेट हैव ऑल द पावर टू सी हाउ यू आर यूजिंग योर फंड्स। नेक्स्ट, जो पर्टिकुलर उसमें टीचर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, जो उसमें आप अपॉइंट करें तो उसमें भी स्ट्रेट कुछ चीज़ें या नॉर्मली कुछ लॉज उसमें बना सकता है कि वो अपॉइंटमेंट्स कैसे होगी या एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 28, 29, 30 जो हमने आज पूरा देखा। 25, 26 मैंने आपको पहले बता दिया था। एंड दीज आर आर्टिकल 29, 30। एक बार फिर देखते हैं, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। माइनॉरिटीज़ का कंसेप्ट सिर्फ अपने कल्चर और एजुकेशन को बचाने के लिए, बिकॉज इस आर्टिकल का नाम ही ये है। सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 29 मैंने आपको इसमें बताया कि ये है सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, मतलब माइनॉरिटीज़ प्लस मेजॉरिटी दोनों के लिए जो रिलीजन या लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हैं ये अपना कल्चर या अपना लैंग्वेज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 30 तो वो है माइनॉरिटीज़ के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको कैसे चलाना है, क्या उन पे हक हैं, क्या उन पर रिस्ट्रिक्शंस है, ये सब हमने आज देखा। व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मैंने आपको बोला कि जब हम ये माइनॉरिटीज़ पढ़ेंगे सो वी हैव 6 माइनॉरिटीज़, दैट इज मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। बाद में जैन को भी ऐड किया गया। और ये जो हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पढ़ते हैं ये हम पढ़ते हैं स्टेट वाइज, ये कोई डिफाइंड नहीं है। ऑल ओवर इंडिया इट कैन नॉट बी सेम बिकॉज पंजाब में पंजाबी ज़्यादा है, सो दे कैन नॉट बी माइनॉरिटीज़ इन पंजाब, ठीक है। देन सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो भी हमने बोला ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को कवर करता है। देन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जिसमें हमने 15 आर्टिकल के साथ डिफरेंस देखा कि व्हेन इट कम्स आर्टिकल 29 तो इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी आ जाते हैं, प्लस आर्टिकल 15 में सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूट में हम काम करते हैं, प्लस एक और ग्राउंड जिसमें हम डिस्क्रिमिनेशन डालते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो उर्दू माइनॉरिटी है वो उर्दू में चीज़ें पढ़ा सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 30 जो बेसिकली इंस्टीट्यूट्स के बारे में ही है कि आप एजुकेशन दे सकते हैं और एड आपको दी जा सकती है, स्टेट उसमें कोई भी फ़र्क नहीं कर सकता है। बाकी इसके बाद हमने देखा एक्सेप्शंस की ये पर्टिकुलर राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मेरिट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, ग्रांट किस चीज़ में आप यूज़ करें ये देखा जा सकता है, प्लस लेक्चरर्स और टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए चीज़ें आपको स्टेट बता सकता है। नाउ दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो है right to propagate one's religion includes the right to convert another person to one's own religion। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस्कॉन वाले संकीर्तन करते हैं, ठीक है, वो प्रचार कर सकते हैं लेकिन प्रचार करते हैं लेकिन वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। या अगर गुरुद्वारे से अगर प्रभात फेरी निकल रही है तो वो लोग आपको ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आपको बनना पड़े। सो आपको कन्वर्ट करने के लिए आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सिटीजन ऑनली, ठीक है। अब इसने बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर नॉट करेक्ट। When it comes to the not correct तो इसमें हमारे पास कौन सा कौन सी गलत है, ऊपर वाली, because right to convert हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स ओनली लिवाई ऑफ अ टैक्स एंड नॉट अ फी, ठीक है। अगर आप हमने जब पढ़ा था ये आर्टिकल तो उसमें हमने क्या देखा था, वन इज सेक्युलर एक्टिविटी एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, इन दोनों का फर्क, ठीक है। तो पहले हमने फी लगाई जा सकती है, तो ये पॉइंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट एज पर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। हमने 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किए थे। एक हमने किया था कि टोटली स्टेट ओन करता है, एक हमने किया था कि एडमिनिस्ट्रेट स्टेट करता है, बनाया किसी और ने है, तीसरा है कि उसका स्टेट से कुछ लेन देन नहीं या फिर उसको एड मिल रही है. सो किसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, नहीं दी जा सकती हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट जो उसमें मैंशनड है. प्लस उसमें मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट में आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पढ़ाई जा सकती हैं, लैंग्वेज में दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती हैं. ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बोथ 1 एंड 2. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड इसमें आज हमने करा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक. होप यू लाइक दिस लेक्चर. अभी हम फंडामेंटल राइट्स के स्टार्टिंग से लेके 30 आर्टिकल तक पहुंच चुके हैं. नाउ नेक्स्ट विल बी जो आर्टिकल होगा दैट इज आर्टिकल 32, जिसमें हम देखेंगे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्लस उसकी रिट्स डिटेल में, बिकॉज ये जो रिट्स वाला पार्ट है इट इज़ बहुत डिटेल में और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा करता है. ठीक है, सो इन कमिंग लेक्चर ऑफ दिस सीरीज वी विल स्टडी आर्टिकल नंबर 32 और आगे जो थोड़े बहुत आर्टिकल्स बचे हैं वो, प्लस इस चैप्टर के एंड में वी विल डू ओनली एक लेक्चर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को लेके कि फंडामेंटल राइट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट होप यू लाइक दिस लेक्चर. प्लस आपको ये सीरीज अच्छी भी लग रही हो, आपके पॉइंट्स कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में कवर हो रहे होंगे. सो थैंक यू सो मच. एंड इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पे सब डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम ऐप पे आपको इस पे मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच.